सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद। लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यहां पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि चोर शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता है, केवल चोरी करने नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज हमको इस बात को देखना है कि वास्तव में क्या वो बहुतायत का जीवन हमने प्राप्त किया है। क्या आज हम उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर पाए हैं? क्या आज भी हमारे जीवन में पूरी शांति है, पूरा आनंद है? मेरे प्रियो, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। चोर मौके की तलाश में रहता है। वचन बताता है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़े किसको खाए। फाड़ खाने वाले सिंह के समान वो इस ताक में रहता है। चोर चोरी करने की ताक में रहता है। आज शैतान हमारे जीवन से शांति चुरा रहा है। आज शैतान हमारे जीवन से आनंद खुशी चुरा रहा है। आज शैतान हमारे जीवन से बहुत सारी अच्छी बातों को चुरा रहा है। आज क्यों वो चोर हमारे जीवन में चोरी कर पा रहा है? याकूब की पत्री पहले अध्याय में साफ इस बात को लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर भला परमेश्वर है। बीमारी परेशानी दुख तकलीफ कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि उसको हमारे जीवन में बीमारी भेजनी होती तो वह हमारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े क्यों खाता? मेरे प्रभु, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब किसी के जीवन में दुख परेशानी बीमारी आती है, परीक्षा आती है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। वचन बताता है कि वह अपनी अभिलाषा के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण उस समस्या को अपने जीवन में निमंत्रण देता है और फिर चोर उसके जीवन में चोरी कर पाता है। जब हम शैतान के लिए उस द्वार को खोलते हैं तब शैतान उस द्वार से प्रवेश करता है और हमारे जीवन से चोरी कर पाता है। यह हमारे हाथ में है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अंधकार की सारी शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और शैतान को मेरे और आपके पैरों के नीचे कर दिया। वो हमारे पैरों के नीचे है और रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों से कुचलवा देगा। लेकिन अभी वचन कहता है कि अभी उसको तुम्हें अपने पैर के नीचे दबा कर रखना है। उसको मुझे और आपको अपने पैर के नीचे दबा कर रखना है। अगर हम उस पैर को ढीला छोड़ेंगे तो वो सांप उठकर डसेगा मेरे पर। यदि हम उसे मौका देंगे तो वो मौके की तलाश में है। वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान मौके की तलाश में है। वो चोर चोरी करने के लिए घात लगाए हुए बैठा है। हमें उसको कोई मौका नहीं देना। वचन बताता है कि शैतान को कोई भी अवसर ना दो, शैतान को कोई भी मौका ना दो। वचन कहता है जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, आत्मा में बलवंत बनकर रहो। हमें उस बलवंत को, उस अंधकार की सारी शक्तियों को बांधना है यीशु मसीह के नाम से।
हमें सावधान रहना है, हमें चोर को किसी भी प्रकार से चोरी करने का मौका नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमें पापों से बचाया, हमें श्रापों से छुड़ाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यही पर इसी वचन में कहते हैं यूहन्ना 14 में कि मैं अपना आत्मा दिए जाता हूं, अपना पवित्र आत्मा, मैंने पापों को हटाया है और अब वो आगे पाप करने से रोकने वाली सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, उसकी सामर्थ में हमें चलने की जरूरत है। प्रभु का दास कहता है फिलिप्पियों 4:19 कि वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जकरिया 4:6 में लिखा है कि बल और शक्ति से नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से हम कर सकते हैं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। हम कर सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा से कर सकते हैं। वही सामर्थ यीशु मसीह ने मुझको और आपको दी है मेरे प्रियो, वही सामर्थ जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजूदे चमत्कार किए, उसी सामर्थ से यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसी सामर्थ को यीशु मसीह ने अपने 6 लोगों को दिया, मुझको और आपको दिया। उसी सामर्थ को हम अपने अंदर लिए हुए हैं, उस पवित्र आत्मा का हम मंदिर है। हालेलुया। उस सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपने बल से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के बल से हम कर सकते हैं, इसीलिए उसके सामर्थ से, पवित्र आत्मा से हम अपने आप को भरे रखे मेरे प्रियो, अपने कटोरे को उमड़ता हुआ रखे मेरे प्रियो, कि उस कटोरे में किसी और चीज की, संसारिक चीज की जरूरत ना हो, हमें चोर को किसी भी प्रकार से चोरी करने का मौका नहीं देना है। तभी प्रभु कहता है जब हमारे अंदर कोई खालीपन नहीं हो, जब उसके वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, जब उसकी आत्मा से हम भरे रहेंगे तो उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसको हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना है और अपने दूल्हे का इंतजार करना है कि हमारा दूल्हा आएगा और जब वो बोलेगा तो उसे हम अपने पैरों से कुचल देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, पवित्र आत्मा का हम मंदिर है प्रभु, तेरा सामर्थ हमें दिया गया है प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर कि प्रभु चोर किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में चोरी ना करने वाला हो प्रभु, वो हमारी शांति, हमारे आनंद को चुराने वाला ना हो प्रभु। हम निरंतर अधिक से अधिक तेरे वचनों से अपने आप को भरे, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने आप को भरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। प्रभु हमारे जीवनों में हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, हम हर एक बात को यीशु मसीह तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं, हर एक बात को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, इस छोटे से मनन में आप मेरे साथ थे, इसमें आपको परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। जय मसीह।